आजमगढ़ की जिस सीट की सबसे अधिक चर्चा रही इस बार चुनाव में वो है मुबारकपुर सीट। वजह यह है कि वहाँ के जो विधायक थे, जो सिटिंग एमएलए थे, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो बसपा से दो बार विधायक रह चुके हैं मुबारकपुर में। उन्होंने चुनाव के पहले पार्टी छोड़ दी और उम्मीदें थी कि उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने एक पुराने नेता जो पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, अखिलेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव पहले भी मुबारकपुर से चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोटों से, कुछ 500 वोटों से वह चुनाव हार गए थे। तो इस बार दोबारा पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। और वहीं गुड्डू जमाली के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। वजह यह है कि जब पिछली दो बार वो बसपा के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते भी, लेकिन तब इनके साथ बसपा का जो वोट है वो इनके साथ था, पार्टी का जो वोट था वो साथ था। इस बार वो उनके साथ नहीं है। अमीम का साथ उन्हें मिला है, लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा गुड्डू जमाली साहब को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनके एरिया के लोग उन्हें मानते हैं, वो पहले भी उनके साथ थे, अब भी उनके साथ हैं। वैसी साहब की पार्टी अमीम ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है और इस नाते भी यह सीट और चर्चा में है, क्योंकि जो वैसी के समर्थक है, जो अमीम के समर्थक है, उन्हें मुबारकपुर सीट से बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि मुझे लगता है कि अमीम के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, और वैसे भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे संपन्न विधायकों में से एक रहे हैं, दो बार विधायक रह चुके हैं, तो इस नाते उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा मानना है कि गुड्डू जमाली के लिए इस बार मुबारकपुर सीट जीतना मुश्किल है। और इसका एक कारण यह है कि एक तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बसपा का वोट उनके पास नहीं है इस बार, दूसरा कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है और बसपा ने अपने पुराने नेता जो कि मुस्लिम ही हैं, यानी कि बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है और गुड्डू जमाली साहब अमीम से हैं। और चूंकि जो पूरा चुनाव है उत्तर प्रदेश का वो भाजपा वर्सेज सपा या कहें योगी वर्सेज अखिलेश में चल रहा है, तो भाजपा के जो वोटर हैं वो तो खुल के कहते हैं कि हम विधायक को नहीं देखते, प्रत्याशी को नहीं देखते, मोदी योगी के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन वो स्थिति कमोबेश हर जगह ही रहती है इस बार। तो इस नाते जो लोग सत्ता से नाराज़ हैं, जो योगी सरकार से नाराज़ हैं, वो भी अखिलेश या समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। तो इस नाते जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव, उनकी दावेदारी थोड़ी और मजबूत हो जाती है इस बार। मुबारकपुर मुस्लिम बाहुल इलाका ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक मतदाता मुस्लिम है यहाँ पे, लेकिन चूंकि कांग्रेस से बसपा से भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं तो वोट वहाँ भी जाएगा और समाजवादी पार्टी में भी जाएगा। तो पूरा मुस्लिम वोट गुड्डू जमाली साहब को नहीं मिल रहा, मुझे लगता है 50-60% वोट इनके साथ जाएगा और बसपा का वोट भी इस बार इनके साथ नहीं, इसलिए गुड्डू जमाली साहब की दावेदारी इस बार कमज़ोर हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि अमीम के प्रत्याशी, पूर्व में दो बार विधायक रह चुके शाह आलम, इस बार विधायक बन पाएंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव जीत जाएंगे, इसकी संभावना अधिक है। हालांकि ये मेरा प्रेडिक्शन है, अनुमान है। 10 तारीख को आपको परिणाम पता चल जाएंगे कि आखिर मुबारकपुर सीट से कौन जीता।